नमस्कार, कैसे हैं आप सब? अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, बहुप्रतीक्षित थी। सुबह से ये खबर ब्रेक की गई तो कुछ बीजेपी कवर करने वाले रिपोर्टर ने ट्वीट ये किया कि गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन जब फ्रेम कटा कृष्ण मेनन मार्ग से के उस घर से जहां सालों बाद कैमरे की एंट्री हुई है, सालों सालों बाद कृष्ण मेनन मार्ग के उस लॉन से कैमरे की एंट्री हुई जहां अभी भारत के गृह मंत्री रहते हैं, जिनका सरकारी निवास है। गृह मंत्री के घर से जो ही कैमरे ने फ्रेम बनाया टीवी चैनलों पे, तो मैंने देखा उसमें बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी का लोगो लगा हुआ है, बीजेपी का कमल छाप दिख रहा है और तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की थी। तो समझ आने लगी एक पत्रकार के रूप में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं से भी महाराष्ट्र को लेकर नहीं है। तो गोपाल जी ने एक बात लिखी है कि एचएम ने मेरी बेचैनी भी निकाल दी, तो सच मायने में सबकी बेचैनी निकाल दी। हर किसी को लग रहा था कि महाराष्ट्र पे कुछ बोलेंगे, मध्य बंगाल पे कुछ बोलेंगे, कुछ ऐसा कुछ लेकिन ये गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। ये चीजें स्पष्ट हो गई, एक बात फिर साफ हुई कि भाजपा की सरकार में नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी में आज भी तथाकथित रूप से कोई भी, चाहे वो राष्ट्रवादी हो या गैर राष्ट्रवादी हो, लिबरल खिलंदर हो, खैराती मीडिया गिरोह के सरगना हो, या सो कॉल राष्ट्रवादी कहने वाले पत्रकार हो, आज भी थोड़ा सा भी खबर का गंध नहीं निकाल पाते, अंदाजा नहीं लगा पाते उस लॉन में होने के बाद भी। जिस सरकारी निवास से भारत के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बतौर अमित शाह भाजपा नेता के रूप में, मैं बताऊंगा कि वो गृह मंत्री के रूप में भी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस था। वो अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री से हटने के बाद रह रहे थे। मतलब 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई, तब से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी का वो घर था उनकी अंतिम सांस लिए जाने तक। उसके बाद वो कृष्ण मेनन मार्ग स्थित वो निवास भारत के गृह मंत्री को अलॉट किया गया। तो कह सकते हैं कि जब 2004 के बाद से उस कोठी में कभी भी कैमरे, मीडिया की कैमरे की एंट्री नहीं हुई। प्रधानमंत्री के कुर्सी से हटने के बाद गुमनामी में एक तरह से चले गए अटल बिहारी वाजपेयी। तबीयत भी उनकी लंबे समय तक खराब रही और उसमें कैमरे की एंट्री कभी नहीं हो पाई। हम लोग जब कभी भी जाते थे वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पे या फिर ये खबर मिलने पर कि वाजपेयी जी की तबीयत खराब हो गई, तो बाहर ही होती थी, एकदम से अंदर कभी कैमरा जा नहीं पाता था। और कई अफवाहें होने के बाद भी कैमरा कभी अंदर नहीं गया। और जब उन्हें भारत रत्न दिया गया, उस समय की भी जो तस्वीर आई थी, तो आप देखे होंगे कि बड़ा एक ही तस्वीर आई जो प्रणब मुखर्जी खुद गए थे भारत के राष्ट्रपति उन्हें भारत रत्न देने के लिए। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस किला को भेद नहीं पाया आज भी और खबर का अंदाजा नहीं लगा पाया। पत्रकारों के साथ ये होता है कि कई बार उन्हें उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है कि इतने बड़े आप संपादक हैं और अभी तक आपको खबर नहीं लग पा रही है। आज देश के बड़े बड़े पत्रकार गृह मंत्री के सरकारी निवास पर थे कि भाजपा में पहली बार इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब तक इंटरव्यू तो होते थे गृह मंत्री के, आरोप इनके लगते रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, प्रधानमंत्री नहीं करते, गृह मंत्री नहीं करते। गृह मंत्री का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो अब तक इससे पहले भाजपा अध्यक्ष के रूप में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने खुला प्रेस को भी आमंत्रित किया कि आप सवाल कर सकते हैं। अमित शाह ने अपने स्टाइल में सवाल किया, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेचैनी कहां तक बढ़ी है, कहां तक बेचैनी बढ़ी है, इसको यदि आप समझेंगे। तो उन्होंने आज बहुत महत्वपूर्ण बात कही, एकदम से संकेत दे दिया कि 84% जो बंपर वोटिंग हुई है वो बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करता है। और अमित शाह जब बोलते हैं तो कहते हैं कि भारत में चुनावी नब्ज को पकड़ने वाला अमित शाह से बड़ा खिलाड़ी आज तक कोई हुआ ही नहीं। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था, किसी भी राज्य में, तो लोगों ने कहा था कि असंभव सा है। अब तक उनका एक जगह ही चीजें गड़बड़ाई हैं, वो बिहार में 2015 का चुनाव। वरना यदि आप उनके इतिहास को उठा करके देख लेंगे, तो अमित शाह जब दावा करते हैं कि हमारी सरकार बननी है,
इतनी सीटों से तो उसके आसपास आता है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 22 सीट का दावा कर दिया था, 18 जीती उस बंगाल में जहां आपके पास तीन मात्र विधायक हैं, दो या तीन विधायक हैं, उस जगह पे आप 22 सांसदों का दावा कर देते हैं, उस जगह वहां 18 सांसद आना एक निश्चित रूप से बड़ा संकेत है। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने जो बातें कही उससे ज्यादा 2014 में सीट उन्होंने जीत करके दिलवाया, और इसीलिए पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को दे दिया था कि अमित भाई ने उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो सीटें आई उसने भाजपा की सत्ता को सुनिश्चित कर दिया। तो आज अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो चीजें जिस पे हम ये करेंगे कि साफ हो गया कि आज भी अमित शाह के पास से या अमित शाह मोदी के जोड़ी के पास से खबर निकाल पाना धुरंधर तथा कथित संपादकों के लिए भी असंभव सा है। बड़े बड़े प्रिंट के संपादक वहां मौजूद थे, होली का अवसर था, लोग ये भी नहीं कह रहे थे कि होली मिलन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन जब फ्रेम कटा तो साफ हो गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के गृह मंत्री का नहीं है जो महाराष्ट्र पर निर्णय होगा। एक सवाल उनके लिए महाराष्ट्र पर आया कि कल जो है बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के कुछ नेता की बैठक थी, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। किस तरह की चीजें होती रहती है, मतलब इसका मतलब कुछ हो रहा है, मतलब यह कि महाराष्ट्र में कुछ पक रहा है, इसका अंदेशा अंदाजा उन्होंने दे दिया कि महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है। तो आज अभी 4 बजे शाम में जो भाऊ तोरसेरकर जी के साथ हमारा जो संवाद होगा 4 बजे से, मैंने आपको बताया कि भाऊ लाइव 4 बजे होंगे, तो ये विश्लेषण अभी हम छोटा ही रखेंगे ताकि आप 4 बजे जो है जुड़ सकें भाऊ के साथ संवाद में, और भाव के साथ आप सवाल भी करें। जो हिंदी भाषी हैं वो भाव को जो हिंदी में नहीं सुन पाते हैं उन सबसे भी होगा कि आप भाव से हिंदी में सवाल करें, और कोशिश ये कीजिएगा कि सवाल जो महत्वपूर्ण उस ढंग का है वो 15-20 मिनट के बाद यदि करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि हम उस सवाल को ले पाएंगे। तो क्योंकि वो मराठी में करते हैं और उनके बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हिंदी में चाहते हैं। अब इस चीज को समझिए कि एक संकेत उन्होंने दे दिया कि महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है, मतलब इस खबर को उन्होंने खारिज नहीं किया कि गुजरात में महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दल के कुछ कद्दावर नेता जो हैं उसके साथ बैठक हुई है, और बताया जा रहा है कि लंबी इस के बाद स्वयं गृह मंत्री भी गुजरात में थे कल, तो अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन आज बेचैनी कहां बढ़ाई है, अब देखिएगा कि लेफ्ट लिबरल गिरोह के सरगना हंगामा क्या करेंगे, ईवीएम करना शुरू करेंगे, और ये कहेंगे गृह मंत्री दावा कैसा कर सकते हैं, इसका मतलब इन्होंने ईवीएम कब्जा कर लिया। आज उन्होंने फिर से खलबली हारे हुए लोगों को हाहाकार करने पर वो मजबूर करेगी। अभी जो है हार के संकेत वालों को हाहाकार करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस विरोधियों में हाहाकार मचा देने वाला था। मैं इसे सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह का विरोधियों में हाहाकार मचा देने वाला था। जो लोग ये कह रहे हैं कि अंदाजा इस बात को लगा कह रहे हैं कि हमें भी अब लग रहा था कुछ बड़ा होगा, हमें लग रहा था कुछ घोषणा कर देंगे, मरे हुए हाथी को मरे हुए किसी शिकार को मारा नहीं जाता है। जब चीजें वहां स्पष्ट हो रही है तो आप और हम यदि ये उम्मीद लगाएं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की घोषणा अमित शाह करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बचकनी बातें हो सकती है, क्योंकि वहां तो खुद वो हाहाकार मचा रहे हैं। खुद जो संजय राउत कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल गृह मंत्री था ये, जो है गृह मंत्री के साथ कैसे इस लेवल का अधिकारी मिलता था, मतलब कि गृह मंत्री पर पूरा ठीकरा फोड़ करके कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना निकल भागना चाहती है, मतलब अनिल देशमुख पर पूरा ठीकरा फोड़ करके ये भाग जाना चाहते हैं। ये होने वाला नहीं है, और इसीलिए ये संकेत जो है ये सोचना बेमानी थी। लेकिन अमित शाह ने क्या कहा जिस पर आप थोड़ी देर बाद देखिएगा या फिर शुरू हो गया होगा कि लिबरलों का गैंग दिल्ली में बैठे हुए वामपंथी बेचैनियों का कि परेशानी बढ़ जाएगी, और कुछ सनसनीबाज कुछ सांप चुचंद्रबाज जो वहां दुकान लगाने गए हैं उनकी दुकानों में आग लग गई एक तरह से समझ लीजिए। वो ये हुआ कि उन्होंने दावा कर दिया कि 84% वोटिंग हुई है बंगाल में, और उस 84% में मतलब 30 विधानसभा क्षेत्र पे कल वोटिंग हुई है जिसमें अमित शाह ने दावा किया 26 सीट हम जीत रहे हैं। तो कल जैसे धीरेन्द्र पुंदीर से बात हो रही थी, धीरेन्द्र जो बंगाल में लंबे समय से कवर कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि एकदम क्लीन स्वीप मुझे दिख रहा है जिन एरिया में कल चुनाव हुआ है, इसका मतलब वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं।
अब चूंकि ये जीत का दावा कर रहे हैं और इस तरह से बहुत आसानी से उन्होंने कैजुअली कह दिया कि ममता बनर्जी यदि किसी नेता को कह रही थी पुराने अपने एनसी टीएमसी वाले को कि मेरे पास आ जाओ वोटिंग करवाओ, तो कह रहे कुछ भी गलत नहीं है, यदि एक नेता किसी को कह रहा है वोट देने के लिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मतलब जिस चीज पर मीडिया बवाल मचा रहा था उस चीज के लिए उन्होंने कहा कुछ नहीं, ठीक है दीदी वोट ही तो मांग रही है कोई बात नहीं है, वो गुहारी तो लगा रही है कोई बात नहीं है, जिस चीज पर वो कहते कि ये चुनाव आचार संहिता का लोग उम्मीद मांग रहे थे ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये दावा कर दिया कि 36 में से 26 सीट हम बंगाल में जीत रहे हैं और बंगाल में 200 से ज्यादा सीट ला रहे हैं। ये बेचैनी बहुत बढ़ा देने वाली है, यकीन मानिए बंगाल का चुनाव भारत के इतिहास में इस बदले दौर में भारत में वाम गिरोह की तबाही का चुनाव है, इसलिए क्योंकि बंगाल के भरोसे वो बैठे हुए हैं, सत्ता कहीं भी नहीं है, बंगाल में भी वामपंथियों की सरकार नहीं, लिबरलों की सरकार नहीं है, लेकिन खैरात की उम्मीद, आखिरी उम्मीद का टूट जाना है, जो इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि सैलरी से कुछ नहीं होता है, ये खैरात मिलना चाहिए, अपना एनजीओ चलना चाहिए, बाहर की फंडिंग आनी चाहिए, उन सब के लिए बंगाल चुनाव बहुत बड़ा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चुनाव तो 5 राज्यों में है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ बंगाल में चुनाव है, तो ये चुनाव जो है इन सब की बेचैनी बड़े पैमाने पर बढ़ा देने वाली है। उन्होंने कहा आसाम में भी हम पहले से ज्यादा सीट लेकर के आएंगे, आसाम में जो है हम पहले से ज्यादा सीट लेकर के आएंगे, ये उन्होंने कहा है, और ये चीजें एकदम से साफ कर दिया है कि पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि आसाम में अब बीजेपी की सरकार वापसी है, और जो मेहनत हल चला करके चाय की पत्तियां तोड़ करके मिसेज वाड्रा कर रही हैं, मिसेज वाड्रा को एक तरह से कलीगे घाघरा पहना दिया आज उन्होंने कह दिया कि असम में तुम पहले से ज्यादा चीन, और मिसेज वाड्रा वहां पे बेचारी चाय तोड़ रही हैं पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के लिए, चाय बनाने के लिए ममता बनर्जी चाय बना रही थी, खूब की तस्वीरें वायरल हो रही है कि वो चाय पत्ती तोड़ रही है, ममता चाय बना रही है और नरेंद्र मोदी चाय बैठ करके पी रहे हैं। मेरे एक साथी ने डाला और बोला कि कैप्शन डालिए इस पे, तो हमने कहा कि भाई इसका कैप्शन तो यही हो सकता है कि लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं दे रहा मोदी, रोजगार तो मिसेज वाड्रा को भी दे दिया, चाय पत्ती तोड़ रही है, और मिस बनर्जी को भी दे दिया कि वो चाय बना रही हैं और मोदी पी रहे हैं। तो 200 सीट का दावा बंगाल में और वर्तमान से ज्यादा सीट पाने का दावा असम में, ये खलबली मचा देगी। अभी देखिएगा ट्विटर पे वार चलने से लगेगा, ईवीएम ईवीएम लोग करके जो है वो बेचैन हो जाएंगे, ईवीएम ईवीएम ईवीएम, और ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे आलम यह होगा कि अब ये साबित करने लगेंगे लिबरल गिरोह कि ईवीएम जो है हैक हो गया और अमेरिका से हो रहा, इधर उधर की कुछ कुछ बातें हो जाएगी, इसका मतलब है कि अब चुनाव में जो एक दरअसल ये हिम्मत तोड़ देने वाला है, हताशा में जब आपको लगता है कि हमें हारना ही है तो आप हताश हो जाते हैं, दरअसल अमित शाह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दुश्मनों को हताश करने वाला है और पूरी तरह से हताशा बिखेर देने वाला है, और इसमें वो उनकी हताशा जो है बिखर चुकी है। वो कह रहे हैं असम में 47 में से 37 सीट, मतलब प्रचंड बहुमत वहीं वहां, लेकिन पूरी बहस को उन्होंने बंगाल पे ला करके रख दिया है, और एक तरह से कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली टाइप यही वो दोनों करते रहे हैं, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अमित शाह से क्यों करवाया गया इसको मैं जरा सा आपको क्लियर करूं। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और उन्होंने ये कहा कि एक दावा अमित शाह ने किया था बंगाल बंगालियों से, उन्होंने कहा था कि बंगाल में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ, किसी फेज का कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिस फेज में हिंसा नहीं हुई, मतलब आज उन्होंने कहा कि बंगाल का इतिहास है कि कोई ऐसा फेज नहीं निकला जिसमें हिंसा नहीं हुई, आज हिंसा नहीं बंगाल के पहले फेज के चुनाव में, न बंगाल में न आसाम में कहीं कोई हिंसा नहीं, ये जान बची है बंगाल के लोगों, हिंसा ना होना उन माओं के लिए, उन बेटियों के लिए, उन पत्नियों के लिए, ये खबर है कि जिसके लोग वहां काम करते हैं कार्यकर्ता हैं, उन पुलिस वालों के लिए सुख सुकून वाला है, क्योंकि कई बार पुलिस वाले डरे रहते हैं कि जब यहां हिंसा हो रही है तो मेरा ही कहीं ना हो जाए, हर कोई डरता है बंगाल में, सरकारी कर्मचारी डरता है बंगाल में चुनावी वोटिंग से, उसे लगता है कि उसके जिंदगी भर की सबसे बड़ी सजा है चुनाव में वोट अधिकारी बनना, चुनाव में पोलिंग बूथ एजेंट बनना, इस तरह की जो है वो तो कार्यकर्ता हो तो पोलिंग बूथ एजेंट बनना, या फिर ये ड्यूटी ऑन ड्यूटी जो सरकारी कर्मचारियों की होती है वो सबसे ज्यादा बेचैन करें, क्योंकि वो आते तो इलेक्शन कमीशन के अंदर में है लेकिन उनके लिए तबाही का कारण होता है वो,
उन्हें उन्हें हमेशा लगता है कि उनके परिजनों को लगता है कि वोट यदि वो चुनाव के बाद वो घर लौट पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, आज ये उम्मीद बढ़ाने वाला था। तो गृह मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए था कि उन्होंने उम्मीद जताया है पब्लिक में कि बंगाल में चुनाव इतिहास पलटने पर याद नहीं आता कि बिना हिंसा के कोई फेज हुआ हो। 8 फेज में चुनाव एक चुनौती है कि हिंसा नहीं होने देंगे। और उन्होंने कहा कि इसके बाद जब बीजेपी की सरकार आएगी उसके बाद उन गुंडों को, टीएमसी के गुंडों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कई लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले तो कुछ नहीं करते, वो किसी के नहीं है। कई लोग ये शिकायत रहते हैं कि कांग्रेस के दौर में कम से कम खैराती पत्रकार भी, आज देखिए कांग्रेस 7 साल बाहर हो गए फिर भी खैराती क्यों चाहते हैं कांग्रेस आ जाए, क्योंकि उनको लगता उम्मीद है कि खैरात मिलेगा फिर से। लेकिन इस सरकार में आदमी को इन्हें लगता है कि जब कार्यकर्ता का कुछ नहीं करते हैं तो हमारा क्या करेंगे। यह हताशा लोगों में होती है कि 130 कार्यकर्ता मर गए लेकिन पार्टी ने कुछ भी नहीं उसके लिए किया। अमित शाह ने भरोसा दिया कि सबको इस मामले के एक्यूज सभी किसी को जेल भेजा जाएगा और बारी बारी से जेल जाएंगे। ना सिर्फ इस मामले में हत्या के आरोपी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज, अभी तक तो मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा हत्या के आरोप में और उसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। उसके बाद यह भी कहा कि टीएमसी के जो लुटेरे हैं, जिन लोगों ने जो टोलेबाजी की है, जो उसने टोलेबाजी जो की है, उन सब के ऊपर मुकदमा होगा, सब जेल भेजे जाएंगे। तो ये उम्मीद जो बड़ी आम आदमी में कि जो हमारा हिस्सा का खा गया, किसानों को 6,000 रुपया नहीं मिला, वहां यहाँ मछुआरों को कहा गया, चूंकि बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां मछली पर आधारित प्रदेश है, जहां चूंकि जगह जगह तालाब है, नदियां हैं, तो इसीलिए मछुआरों को मछुआरों का एक बड़ा समूह है, बड़ा वोट बैंक है मछुआरों का। ये दौर बदल गया कि एक समुदाय विशेष को वोट बैंक बनाया जाता था, अब कर्म के आधार पर चीजें हो रही है और मछुआरों के लिए कहा जा रहा है। तो मछुआरे किसी भी जाति के हो सकते हैं, वो किसी भी समुदाय के मछुआरे हो सकते हैं, क्योंकि वो कहीं भी किसी भी इलाके में, चूंकि वो संस्कृति है, बंगाल अलग हुआ पाकिस्तान से एक भाषा के आधार पर, इसीलिए ये संकेत है। और मुझे लगता है कि कंक्लूड करूं आपको कि गृह मंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये है तो अमित शाह गृह मंत्री हैं, लोगों पीछे बीजेपी की थी, तो बीजेपी की तरफ से वो कंप्लेन करने आए, गृह मंत्री के रूप में इस ढंग से कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन गृह मंत्री के रूप में उन्होंने एक संकेत दिया कि गृह मंत्री के अंदर पूरा गृह विभाग होता है, उन्होंने संकेत दिया कि हमने वायदा किया था कि हिंसा नहीं होगा, हिंसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि टीएमसी के टोलेबाज गुंडे दूर दूर भटकने नहीं चाहिए, भटकने नहीं दिया। ये एक्सीडेंटल गृह मंत्री नहीं है, ये महाघारी का एक्सीडेंटल गृह मंत्री, इसीलिए हर कोई जो एक्सीडेंटल आया। हम क्यों कहते हैं कि पत्रकारिता के पेशे को गंद किसने मचा दिया, आज मुझे समझ में आया कि मेरे पेशे के 90% खिलंदर क्यों कहते हैं मैं एक्सीडेंटल आ गया। मेरे मैक्सिमम सहयोगी साथी कहते हैं पत्रकारिता में तो एक्सीडेंटल आ गया, मैं जो तैयारी तो कुछ और कर रहा था और कुछ नहीं मिला, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था कुछ नहीं मिला, तो चाचा ने कह दिया, नाना जो है सो पत्रकार थे, मामा पत्रकार थे, तो पत्रकार बन गए। जितने 80-90% जो लोग पत्रकार बने हैं, नजदीकी रिश्तेदार पत्रकार हैं, मेरे तरह नहीं, दूर दराज ना कोई रिलेटिव पत्रकार है, ना कोई जान पहचान का आदमी कोई पत्रकार था, खानदान में पहला, नातेदार रिश्तेदार में पहला, जान पहचान में भी अपने अपने जान पहचान में सर्किल में पहला जर्नलिस्ट था, ना मेरे रिश्तेदार में दूर दराज तक कोई पत्रकार था, ना कोई मेरे जानकार में कोई पत्रकार था, तो मुझे तो स्ट्रगल करना था। 90% वो आए, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का भाई, किसी का भौजाई, किसी की, तो सब एक्सीडेंटल आए। जब एक्सीडेंटल आता है तो महाघारी की तरफ पाप करता है, जो संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में जो गृह मंत्री आए हैं वो एक्सीडेंटल आए हैं। जब एक्सीडेंटल कोई गृह मंत्री होगा, एक्सीडेंटल आप किसी चीज में जाएंगे, अनिच्छा से जाएंगे, एक्सीडेंटल जब जाएंगे तो लूट करें, मन से नहीं गए तो लूट करेंगे। अच्छा, पत्रकारिता बेईमानी का ग्लैमर है तो थोड़ा ये भी कर लेते हैं। तो आप दरअसल आप डिटर्मिनेशन के साथ नहीं आए, आप जब पैशन के साथ किसी चीज में नहीं जाते हैं, हर चीज का पैशन है, किसी चीज में यदि आप पैशन के साथ नहीं जाएंगे तो आप उस पेशे का बलात्कार करेंगे एक तरह से। तो वही इस पेशे का हो रहा है और महाराष्ट्र में सरकार का हो रहा है कि खुद ही संजय राउत ने कह दिया कि एक्सीडेंटल गृह मंत्री है, तो अब सोचिए क्या कह रहा है। तो भाव के साथ इन सब चीजों पर चर्चा 4 बजे होगी, तो 4 बजे आप जरूर आइए, इस पर विश्लेषण करते हैं। लेकिन ये क्लियर हो गया कि गृह मंत्री की पीसी किस लिहाज से थी। डी दास जी कह रहे हैं कि सर मेरे पिताजी, ओ हो, बहुत प्रणाम आपको जगन्नाथपुरी वाले दास साहब, आपके यूट्यूब और लिबरल से लड़ाई में आपके साथ हैं, उनको मेरा प्रणाम कहिएगा, बहुत प्रणाम। उनके दर्शन करने की इच्छा है कि उन्होंने कई बार आग्रह किया कि पूरी आइए,
तो पूरी आने के साथ आपके पिताजी से भी दर्शन होंगे, हो पाएंगे यदि सौभाग्य मुझे मिल पाया तो। बहुत आभार आपको, अपने पापा को मेरा प्रणाम जरूर कहिएगा, यदि वो सुन रहे होंगे तो मेरा प्रणाम उनको, क्योंकि ऐसे आप लोगों का स्नेह यही मेरे लिए ताकत है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, कि मैंने कई बार कहा कि 80 से 90 साल की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सब जब अपना स्नेह और प्रेम भेजते हैं तो इसी ताकत से लड़ाई पा रहे होते हैं, वरना आप देख रहे हैं गिद्धों की टोली कैसे पीछे पड़ी हुई है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर गिद्धों की टोली ने सचेत तो किया है हमें कि एक प्रयास किया जाए, जो चीज हम नहीं जानते थे हमने सीखा है कि कैसे सिर्फ अपनी रिसर्च से संवाद करना है। कोशिश यही करनी है कि भाई मैंने तो उनका वीडियो से कोई कमाई नहीं की है, मैंने वीडियो तो एक संदर्भ विशेष के रूप में दिखाया था। कॉपीराइट कायदे से तब होना चाहिए जब आप एक लंबा वीडियो दिखा रहे हैं, उससे आप कमाई कर रहे हैं, 30 से 40 तथा 50 सेकेंड में क्या होता है। लेकिन एक बड़े टीवी चैनल, तो सोच लीजिए बार बार इस चीज को सुनने के लिए, एक बड़े टीवी चैनल आपके मनीष ठाकुर के पीछे क्यों किया, उसको उससे क्या मिल जाता उस कमाई से, और स्ट्राइक से उसे मुझसे दुश्मनी करने का क्या कारण है। सनसनीबाज के बारे में तो मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि मैंने देखी है उन तमाम तमाम चिन्हों की बयानी, उन सनसनीबाजों ने यह किया है तो ठीक है, सनसनीबाज अपना काम करता रहे, छुछुंदरबाज अपना काम करता रहे, पत्रकारिता को मजाक बना देने वाले इन चिरकुटों की टोली है तो नहीं, यही काम करना है। तो चलिए, इस विश्लेषण को इसीलिए मैंने छोटा रखा है कि 4 बजे मिलते हैं आपको भाव के साथ। बहुत बहुत आभार आप सबका। दास जी, मुझे लग रहा है कि सवाल तो इसमें, आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस विश्लेषण को अब यहीं बंद कर देते हैं, ताकि आपको भाव तोरसेरकर जी के साथ 4 बजे आप लोग जरूर आइए, जुड़ पाए। और इसीलिए इसको मैंने छोटा रखा, क्योंकि अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण था, उनके साथ मेरी चर्चा महाराष्ट्र पे होगी, इसीलिए मुझे लगा कि एक विश्लेषण आपको जरूर दिया जाए। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।